मतलब कि यहाँ पे फार्मिंग बड़ी ही एडवांस फार्मिंग है, बंदा के हमारे मुल्क में पाकिस्तान में जैसे फार्मिंग होती है उससे तो इंतहाई डिफरेंट है। ना ही हमने कोई मज़दूर देखा है यहाँ पे, ना ही कुछ। और कि आप लोग देख सकते हैं, ये इनका चर्च है ये गांव के अंदर। अस्सलामुअलैकुम, बोनस दियास आप सब लोगों को माही व्लॉग पे एक बार फिर। अभी हम हैं गांव के अंदर जो पुर्तगाल का मेन सिटी पोर्टो, पोर्टो से थोड़ा 1.5 घंटे का सफ़र है अभी यहाँ से गांव से, क्योंकि हमने यहाँ पे एयरबीएनबी करवाया था और फिर हम मतलब के यहाँ पे हमने नाइट स्टे किया। अभी 11 हो गए और अभी मैं तो नहा ली हूँ, उमर अभी नहा रहा है और अली अभी सो रहा है, तो जब वो उठेंगे तैयारी करेंगे फिर हम निकलेंगे। मैंने कहा चलो अभी गाँव का थोड़ा सा टूर बना लेते हैं और आप लोगों को गाँव दिखाते हैं। ऑलिव ऑयल्स के ट्रीज लगे हुए हैं काफ़ी, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है तो यहाँ पे मतलब के पहाड़ों के ऊपर उन्होंने ऑलिव ऑयल्स की काश्त की हुई है। वो अगर आप लोगों को नज़र आए मेरे पीछे, पहाड़ के ऊपर भी अच्छे से फार्मिंग की हुई है इन्होंने ऑलिव ऑयल्स की, मतलब कि यहाँ पे फार्मिंग बड़ी ही एडवांस फार्मिंग है, बंदा के हमारे मुल्क में पाकिस्तान में जैसे फार्मिंग होती है उससे तो इंतहाई डिफरेंट है। ना ही हमने कोई मज़दूर देखा है यहाँ पर, ना ही कुछ। और यार इधर चलते हैं, मेरे साथ हमारे सिंधी भाई मौजूद हैं। सिंधी भाई हेलो कर दें ब्रो। हेलो। तो अभी हम थोड़ा सा गांव का टूर लगा रहे हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं कि यार कैसे गांव है यहाँ पे, और आप लोगों को भी दिखाते हैं, कोई गाय भैंस से भी ढूंढने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। वाली बात है वैसे, हाँ छोटे छोटे गांव हैं मगर हर गांव के अंदर देखें आप स्ट्रीट्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, मतलब कि छोटा सा गांव है मगर फिर भी हर एक स्ट्रीट्स का नाम मौजूद है। तो यार कितने मतलब के दिलचस्प लोग हैं, कैसे से इन्होंने मतलब के एक निज़ाम बनाया हुआ है, सिस्टम बनाया हुआ है रहने सहने का। छोटा सा गाँव है, थोड़े से घर हैं, वो भी दूर 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 दूर, और फिर भी मतलब कि हर स्ट्रीट का नाम लिखा हुआ है। पीछे आप लोग देख सकते हैं ये इनका चर्च है ये गांव के अंदर, छोटा सा चर्च बनाया हुआ इन्होंने, जैसे हमारी छोटी छोटी मस्जिदें होती हैं वैसे ही इनका चर्च है। ये देखें आप, पहले भी बताया कि छोटा सा गांव है और यहाँ पे भी कितनी सफाई है यार, कितना जबरदस्त सीन है, बिल्कुल साफ सुथरा गांव है और ज़्यादा लोग भी नहीं रहते। और ये देखें यहाँ पे डस्टबिन रखी हुई है इन्होंने सफाई के लिए, मतलब कि आप अपना कूड़ा करकट वगैरह जो भी आपका गंद मंद है आप इसके अंदर डाल सकते हैं। यार अजीब तरक्की याफ्ता गाँव है, सुलझे हुए लोग हैं यार काफ़ी।